नमस्कार जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये एक ओवरऑल जो है मंथ की रीडिंग होगी और ये एक मंथली प्रिडक्शन है जिसमें जॉब, बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी सब चीज़ों के लिए, मतलब प्यार सबके लिए बताया जाएगा। तो जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जेमिनाई आपका महीना देख लेते हैं कैसा रहेगा फरवरी का। तो जेमिनाई के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, जो आपका महीने की शुरुआत है वो एक अच्छी शुरुआत के साथ होगी। अगर आप एक नई जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई दे रही है, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो एक, भले ही ये शुरुआत एक छोटी शुरुआत होगी लेकिन धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जिनका ऑलरेडी आप जॉब में थे या बिजनेस में थे और वो आपका जा चुका है, किसी तरह से आप उसको छोड़ चुके हैं तो, और दोबारा से आप उसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, अगर डिटर्मिंड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह गिव अप नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आपने ठान लिया कि मुझे उसी जॉब पर जाना है, उसी बिजनेस में जाना है या उसी प्यार के लिए आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे करके आप उस ऊंचाई तक जरूर पहुंच सकते हैं। और जो भी जॉब होगी, जो भी बिजनेस होगा, वो आपको काफ़ी फायदा देगा, काफ़ी सक्सेसफुल होगा, काफ़ी कामयाबी की तरफ आपको लेकर जाएगा। और सितारे भी इसमें आपका साथ देंगे, लेकिन वो तभी देंगे जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, यानी कि अपने काम को हिम्मत और करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो महीने की शुरुआत आपकी अच्छी जा सकती है, रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो जिनका सेपरेशन में जा चुके थे, दूरियां बन चुकी थी या किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, तो अगर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे तो उन रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है, अच्छा प्यार बढ़ता दिखाई दे रहा है, अच्छे गवर्नमेंट जॉब के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। एक ओहदे वाली, एक पावर वाली जॉब आपको मिल सकती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वहाँ आपके जॉब नहीं भी मिले तो आसार बन सकते हैं, मतलब आगे जाकर वो जॉब आपको मिल सकती है। तो मिड मंथ में थोड़ा सा हो सकता है कि या तो आप किसी के साथ हेराफेरी कर सकते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, या तो दूसरा बंदा आपके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी, कोई चालबाजी कर सकता है। और आप चीज़ों को रुका हुआ, ठहरा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जो है बिजनेस रुक चुका है, आपका जॉब रुक चुकी है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपको धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपको छल किया है, तो मतलब परेशानी और दुविधा में आप रह सकते हैं मिड मंथ में। लेकिन 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 अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालेंगे, दूसरे के भरोसे ना रहते हुए आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। मतलब कि आपको ये यूनिवर्स ये बढ़ने की ताकत देंगे कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाते हैं, अपनी रोशनी खुद बनते हैं, अपना उजाला खुद बनते हैं, जो आप दूसरों के भरोसे छोड़े हुए हैं, तो अपना चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे पैसा है, जहाँ भी
आप दूसरे के भरोसे छोड़े हुए हैं, वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर लीजिए, अपना काम खुद कीजिए। अगर आप अपना काम खुद की करेंगे तो धोखाधड़ी से आप बच पाएंगे, हेरा फेरी से बच पाएंगे, आपके साथ कोई चीट नहीं करेगा, आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे के भरोसे पर रहे तो आपको धोखा मिल सकता है, हेरा फेरी हो सकती है, कोई चालबाजी चालसाजी आप हो सकती है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो उसके उससे बचने के लिए दूसरों का भरोसा ना कीजिए, अपना अपनी ताकत खुद बनिए, अपना उजाला खुद बनिए, अपने पैरों पर खड़े हुए स्टैंड लीजिए और अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको खुशी मिल सके। और महीने के एंड में जाते जाते अगर आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो चीज़ों को आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई आपके साथ चालसाजी कर रहा है, कोई हेरा फेरी कर रहा है, या फिर आप उन चीज़ों को ही अपने से चिपकाए हुए हैं जो समय के साथ छोड़ देनी चाहिए, कोई पैसे प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, जब जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई सोच हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उन चीज़ों से रिलीज नहीं कर पाते हैं, छाती से चिपका कर चलते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं या फिर जॉब बिजनेस में प्रॉब्लम आती हैं, हर जगह प्रॉब्लम आती है। जब तक आप समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं करेंगे, दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने आप को परेशानी में डालते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लेकिन समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को रिलीज करेंगे और कंजूसी को छोड़ेंगे, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे, लोगों से मिलना जुलना करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बातों को, जगह को, सिचुएशन को, पैसे को रिलीज करेंगे, और तो धीरे धीरे करके उस स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आने शुरू हो जाएंगी और स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा और काफ़ी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। और अगर आप अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि चीज़ों को अपने साथ चिपका कर रखेंगे, बातों को, जगह को, सिचुएशन को, तो आप परेशानी और दुविधा में रह सकते हैं। तो चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, अगर उनको रिलीज़ करते हैं तो धीरे धीरे हर चीज़ से, जॉब बिजनेस, करियर, पैसा, प्यार, मोहब्बत, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, हर चीज़ आपको मिल सकती है। हर तरह से धीरे धीरे करके फ्रूटफुल चीज़ें हो सकती हैं, कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, लेकिन तभी ये पॉसिबल होगा जब आप इस धोखाधड़ी से बाहर निकलेंगे, यानी कि चीज़ों को अपने रिलीज करेंगे, अपने बस में नहीं रखेंगे, उनको चिपका कर नहीं रखेंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ये पैसे के लिए भी आया है, जॉब के लिए भी आया है, प्यार के लिए भी आया है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो खूब पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, और इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होने पड़ेगा, अपने यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जो चीज़ आपके हाथ से जा चुकी है, अगर आप उसको फिर से पाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने घर वालों के लिए या अपना जॉब बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके हाथ से जा सकता है। और अगर आप किसी लव लाइफ में हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो उनके साथ अगर आप एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं तो काफ़ी ये जो है आगे आप बढ़ सकते हैं, या फिर कोई ना कोई मतलब ऐसी खुशखबरी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगी कि आपको उसको चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ, फैमिली के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ मिलकर, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको इस महीने में मिल सकती है।
अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट डालेंगे और उसके लिए स्टैंड लेंगे, यानी आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे, तो काफ़ी खुशहाली आपको मिल सकती है। एक गुड न्यूज़ मिलेगा जिसे आप परिवार और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते नज़र आएंगे। काफ़ी चीयरफुल, खुशी भरा ये महीना आपका ओवरऑल जा सकता है। थोड़ा सा चालबाजी से बचना है, धोखाधड़ी से बचना है। ये ना हो कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलता रहे और आपको पीठ पीठ पीछे मतलब कुछ ऐसा करता रहे जो आपको पता ही ना चले। तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि इसमें मैजिशियन का भी कार्ड है और जो है धोखाधड़ी का भी, चालबाजी का भी, सेवन ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी का होता है, या तो आप उनके साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ, या तो फिर आपको कोई धोखा दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।